समेत पूरे देश में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। इस बार माहौल जनता से जुड़ा नहीं है बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हर कोई अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। मैं आपके पास आती हूं काजी इमरान जी, इस तरीके से बयानबाजी कर देना, कई जगहों पर देखिए शोभा यात्राओं पर पत्थर चला देना, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, इन सबको लेकर अगर हम बीच में जाएंगे जनता के, तो जो हम कहते हैं अखंड भारत है हमारा, हम सब समान हैं, वो कैसे सिद्ध हो पाएगा? ये बंटवारे की स्थिति कहां से पनपती चली जा रही है? देखिए, ये बंटवारे की जो राजनीति हो रही है वो राजनीतिक पार्टियों की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से, उनकी बदनीयती की वजह से है। हिंदुस्तान हमारा सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया का, और ये इसी वजह से है कि यहाँ एक गुलदस्ते की तरीके से है, यहाँ हर धर्म के फूल हैं जिसको संजो के अभी तक रखा गया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही वो बांटने की राजनीति रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इनके बड़े बड़े नेता, अब देखिए, एक तरफ इनका डिप्टी सीएम जो है वो अजान का रिस्पेक्ट करते हुए अपना भाषण रोक देता है, और दूसरी तरफ काशी में इस तरह की बातें आती हैं कि जो नफरत फैलाने का काम करती हैं। और इसमें पूरी तरीके से ये मामला कानून व्यवस्था के फेल होने का है। अच्छा। मैं कहता हूं कि अगर किसी मस्जिद के ऊपर जाकर कोई भगवा झंडा फहराता है और चाहे किसी छत से अगर पत्थर आ रहे हैं किसी शोभा यात्रा के ऊपर, तो इसमें आप ना दोनों धर्मों को आप दोष नहीं दे सकते। हर धर्म में अराजक तत्व होते हैं। आपने बहुत सही कहा, आपने जो आखिरी बात बोली कि एक धर्म को नहीं दोनों धर्मों को आप देखिए, जो धर्म की राजनीति करे। लेकिन आपने एक बात का जिक्र किया, अपनी बात को शुरू करते कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। बिल्कुल, 10 राज्य, देखिए मैं आपको बता देती हूँ 10 राज्य में कौन कौन से रामनवमी के दिन जहां से तस्वीरें आई थी जहां पर हिंसा हुई थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, क्या ये 10 राज्य सिर्फ बीजेपी शासित राज्य हैं? देखिए मैं फिर क्या कह रहा हूं, आप एक तरफ अगर ये तथ्य देते हैं कि दोनों धर्मों में अगर कोई भी ऐसे बयानबाजी करे तो किसी को भी स्वीकारना नहीं चाहिए, हम भी यही कहते हैं, लेकिन फिर एक ही दल को दोष कैसे? पूरे देश में ओवरऑल देखिए ना, एक ही धर्म को, एक ही पार्टी को कैसे दोष? मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये किसी से नहीं छुपा है। आप ये देखिए, ये कभी कश्मीर को मुद्दा बना देंगे, कभी ये अजान को मुद्दा बनाएंगे, कभी ये हिजाब को मुद्दा बनाएंगे, कभी पाकिस्तान को मुद्दा बनाएंगे, कभी दूसरे किसी पार्टी का नाम बताइए धर्म के नाम पर। अगर एक ही पार्टी को आप हिंदुओं को वहाँ काट डालेंगे, कश्मीर मुद्दा नहीं बनेगा। अरे कश्मीर, आप कश्मीरी पंडितों के लिए इतना परेशान है, कश्मीर मुद्दा नहीं बने, कश्मीरी पंडितों का मामला है, तब सरकार में आप शामिल थे, तब आपके जगमोहन जी वहाँ के राज्यपाल थे, जगमोहन जी आपकी पार्टी के नेता थे, आपकी विचारधारा के नेता थे, बाद में आपने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था, और आज भी हरीशन जी, आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए उन्माद फैलाने से नहीं होगा। आप बताएं कि 7 साल से आप केंद्र के अंदर सरकार में हैं, 7 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया है? सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, फिर उन्माद फैलाने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि 7 सालों के अंदर आज अगर आपने 7 वर्षों में कुछ किया होता तो अमिताभ अग्निहोत्री के कर चरणों में जाके आपको शरण ना लेनी पड़ती। आज मैं हमारे यहाँ हमारे नेता ने कहा हमारे सभी सांसद 5 करोड़ रुपए देंगे अपने सांसद निधि से कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए। आप लाइए कोई योजना। आपने अभी तक कश्मीरी पंडितों के भले के लिए क्या किया है? आपने सिर्फ उनके आंसुओं का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया है। आपने कश्मीरी पंडितों की बर्बादी का इस्तेमाल अपनी गंदी मौजूदा सियासत के लिए किया है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है हरीशचंद जी, इस तरह की सियासत करना बंद करिए। बताइए 7 वर्षों में आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? अरे जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया गया था तब वीपी सिंह के साथ सरकार में आप शामिल थे, तब जगमोहन जी आपके राज्यपाल थे, आपकी पार्टी के नेता, आपकी विचारधारा के नेता, सब कुछ तो आपके हाथ में था। अच्छा काजी जी, सब कुछ होने दिया। काजी जी और हरीश जी रुकिए आप जरा, काजी जी और हरीश जी रुकिए, काजी जी आप देखिए, हम अभी आप पर देखिए कश्मीर पंडितों के मसले पर लेकर बहस बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर आपने मुद्दा उठाया है, हरीश जी आ रही हूं मैं आपके पास, इस तरह क्यों हो रही, कभी ये खड़े होते हैं, आप काउंटर करेगा, लेकिन अभी देखिए काजी जी मेरा आपसे सवाल ये है, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने मीडिया बयान में कहा था कि हमने कश्मीरी पंडितों में जो शिक्षा की उनकी नौकरी हमने पक्की की है, ये बयान दिया था उन्होंने। बिल्कुल, अब जरा मुझे ये बताइए उन्होंने नौकरियां पक्की क्यों की है, क्या अपनी स्वेच्छा से की थी उन्होंने? सच सच बताइएगा।
देखिए हमने काम अपनी स्वेच्छा से की थी। नहीं आज मैं नहीं नहीं, नहीं आप बहुत कश्मीरी पंडितों का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल, हालांकि मेरा भी मुद्दा ये नहीं है, लेकिन मैं एक लाइन में आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। क्या कश्मीरी पंडितों में जो शिक्षकों की नौकरियां पक्की करने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या अपनी स्वेच्छा से उन्होंने तुरंत आगे आकर हाथ बढ़ा दिया था कश्मीरी पंडितों के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार किया गया तब सरकार में शामिल थे, कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार किया गया इनके जगमोहन जी राज्यपाल थे कश्मीर के, आप बताइए 7 साल में इन्होंने क्या किया है? ये तो रोना रो रहे हैं, इन्होंने किया क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, गाजी जी रुकिए रुकिए, आप सर कह रहे अरविंद केजरीवाल ने किया, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने किया है, रुकिए रुकिए हरीश जी रुकिए, एक मिनट सवाल का जवाब ले लूं फिर आप अपना काउंटर कीजिएगा। लोग खड़े नहीं होते उसके। हरीश जी रुकिए, आप किसके साथ खड़े होते हैं? हरीश जी उसके खिलाफ खड़े हैं। हरीश जी आप किसके साथ खड़े होते हैं? आप दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं? आप बताइए टेनी जी के लड़के के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया क्या आपने? गोधरा कांड को आप भूल गए? हाथरस के कांड को आप भूल गए? तो इस तरीके से बातें मत कीजिए। किसके साथ आप खड़े होते हैं? आप कौन सी सरकार के साथ खड़े हुए थे? जिस समय टेनी जी के लड़के की जमानत हुई थी उस समय आपकी सरकार थी, आपने क्या काउंटर किया उस पे? आपने जमानत अर्जी को खारिज करने के लिए बात की थी? अभिषेक जी ने रुकिए, हरीश जी रुकिए, अभिषेक जी प्लीज मुझे फैसला डाउन करवाना पड़ेगा। ऐसे क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी काजी जी से सवाल कर रही हूँ, दो सवाल है काजी जी आपसे। एक तो ये कश्मीरी पंडितों की अगर आप दुहाई दे रहे तो आपके राज्य में क्या हुआ जो शिक्षकों की नौकरी पक्की करने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो क्या उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था तब जाकर उन्होंने नौकरियां पक्की की थी? वही केजरीवाल जो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हम नौकरी नहीं पक्की कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नौकरी आपको पक्की करनी होगी तब जाकर वो नौकरियां पक्की होती हैं, और उसके बाद यह हवाला कि हमने किया, और सीएनआरसी में आपकी पार्टी का अगर नेता कोई शामिल हो जाता है वो हिंसा करता है तो फिर वो कौन? इन दो सवालों के जवाब। किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए आम आदमी पार्टी ने कभी कोई समर्थन नहीं किया है। अच्छा। अगर कहीं हमारे नेता कार्यकर्ता का नाम आया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने काम किया है, किसी एजेंडे में हमने जाए, किसी प्रोपेगेंडे में हमने जाए। पहले दूसरी बात कश्मीरी पंडितों के लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने काम किया। अच्छा, जो लोग कश्मीरी पंडितों की दुहाई देते फिरते हैं, जो लोगों कश्मीर पंडित के नाम पर राजनीति करते आए हैं, 7 साल से उनकी सरकार है केंद्र के अंदर, एक फूटी कौड़ी का काम किया हो तो बता दें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे सांसद 5 करोड़ देंगे अपनी सांसद निधि से उनके पुनर्वास के लिए। इन्होंने क्या किया अभी तक? इन्होंने सिर्फ पिक्चर बनाने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ उन्माद फैलाने का काम किया है, इन्होंने कश्मीरी पंडितों के नाम पर समाज को बांटने का काम किया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ तब भी ये सरकार में शामिल थे, और इनके जगमोहन जी वहां के राज्यपाल थे, इन्हीं के लेकिन कुछ सवालों के जवाब आप दे नहीं पा रहे। जरा एक सवाल और मेरा आपसे। नहीं कतई नहीं। हरीश जी सुनिए, एक महर जी रुकिए, मैं इसमें ना विकास जी को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ। जो सवाल मेरा काजी जी आपसे, विकास जी आप ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। दिल्ली में जितना भी, यानी कि दिल्ली में जितना भी अगर विकास कम काम दे कि आप कर रहे हैं, नो डाउट आगे करिए, बहुत अच्छा करिए, जनता के लिए बेहतर है। जब शीला दीक्षित की सरकार थी कांग्रेस के समय में, तब उस टाइम भी दिल्ली का विकास कैसा हुआ ये आपने देखा है, और उसको लेकर आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने फाइलें इकट्ठा करी थी कि हम इसकी जांच करेंगे जो वहां पर विकास के काम हो या फिर और वो जांच अभी तक कहां गई ये किसी को नहीं पता। शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में विकास किया है दिल्ली का, और मुझे लगता है विकास जी हैं वो उस पर जवाब देंगे। तो आप अगर इधर उधर मुद्दे को भटकाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप अपनी सरकार में भी देख लीजिए, जांच की बात आप भी कहते रहते थे, कोई जांच नहीं हुई। जांच की जहां तक एंटी करप्शन ब्यूरो की बात है, एसीबी की बात है, शुरू में हमने जांचें शुरू कराई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एसीबी को एलजी के अधीन कर दिया। एसीबी हमारे अधीन नहीं आता है, जांच एजेंसी हमारे अधीन नहीं आती, तो उसमें उसकी जांच करवाने की बात अब हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जब तक हमारे अधिकार में था हमने बिल्कुल करवाया था। और जहां तक आप जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर रहा है, हमने बुनियादी जरूरतों के लिए जो काम किया किसी भी सरकार ने पूरे देश के अंदर नहीं किया है। कहां बिजली फ्री हमको बता दीजिए, आज बिजली मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए कहां इतने बड़े लेवल पर शिक्षा व्यवस्थाओं में
मुद्दा कहाँ चला गया है काजी जी, लोकपाल का मुद्दा कहाँ चला गया? हालांकि देखिए ये मुद्दे भी है नहीं, लेकिन एक बार एक बात सुनिए आप, लोकपाल का मुद्दा कहाँ चला गया? लोकपाल को लेकर आपके नेता, आप लोग बहुत हो हल्ला करते थे ना, अब आपके राज्य में लोकपाल जैसा मुद्दा कहाँ है, कहीं दिख ही नहीं रहा है लोकपाल जो हमारे अधिकार मिलाकर। सुनिए काजी जी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र बाहर की चीजें सुप्रीम, मैं कह रहा हूँ स्कूल हमारे क्षेत्र में था, स्कूल में हमने जो काम किया वैसा कोई दूसरा उदाहरण तो आप बताइए। अगर दिल्ली जैसी शिक्षा व्यवस्था कहीं का हो तो बताइए, आप गुजरात के शिक्षा मंत्री से बात करिए, आप बताइए ना, अस्पतालों का मामला इससे बेहतर कहीं पर हो तो बताइए, बिजली के मामले कहीं पर हो बताइए, आप बात का क्या चला गया? खैर मैं इस मसले में आप जवाब मुझे लगता दे नहीं पाएंगे, आप जवाब लेना नहीं चाहिए मुझे, शीला दीक्षित मसले पर दीजिए, लोकपाल के मसले पर दीजिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या हो, मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको। शीला दीक्षित के टाइम पर भी ब्रिज बनते थे, सड़कें बनती थी, डेवलपमेंट के काम होते, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार होता था। आम आदमी पार्टी भी डेवलपमेंट कर रही है, आम आदमी पार्टी जिस ब्रिज का एस्टीमेट 300 करोड़ का होता है उसको 147 करोड़ में बना के तैयार कर देती है, बाकी का जो पैसा होता है उसको फ्री बिजली में देने में इस्तेमाल करती है, स्कूलों का सर्च करने में करती है, बजट हमने दोगुना कर दिया, पूरे देश के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है। काजी जी मैंने ये नहीं कहा कि बनते नहीं थे, मैंने कहा जांच की बात करते थे, गट्ठा भर फाइलें अरविंद केजरीवाल के, मैं कह रहा हूं कि जब जांच एजेंसी हमारे अधीन नहीं रही, काजी जी जो आप पर आरोप लगे अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में अपनी बी टीम पैदा कर रखी है, लगातार उनकी बी टीम कांग्रेस के शासन पे सवाल खड़ा करते हैं, कम से कम बी टीम तो है, आप तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, बी टीम कहिए सी टीम कहिए, आप तो आपके पास टीम ही नहीं बची है, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में जीरो हो गए, पंजाब में हमने आपको समेट दिया, आप धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, पूरे देश से समेटने आ रहे हैं आपको, आपका यही अहंकार जो इतनी बड़ी पार्टी को समेट कर रख दिया जीरो पे लाके। मैंने आम पार्टी का नाम नहीं लिया, देखिए शिवानी जी इससे मेरे कहने से पहले ही सच्चाई सामने आ गई, हमने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं लिया, और इस देश की समझदार जनता जानती है कि धर्म जाति नफरत विघटन की जो भाषा बोल करके सरकारों के खिलाफ सिविल विद्रोह पैदा करके लोगों के दिमाग में सच्चाई से मोड़ करके जो दिखाने का कोशिश किया था आम आदमी पार्टी और सपा ने, विकास जी सुनिए, आप साबित हो गया, विकास जी सुनिए, आप आरोप लगाएंगे, आप आरोप लगाएंगे बीजेपी पर, आप लोग आप आरोप लगाएंगे सभा पर, आप आरोप लगाएंगे आम आदमी पार्टी पर, लेकिन जितने भी नेता सफेद कुर्ता पहनते ना सबके कुर्ते पर दाग है, कोई एक एक कुर्ते पर दाग नहीं है। मैं चर्चा को वापस अपने अपने मुद्दे पर वापस आती हूँ, क्योंकि जब कश्मीर पंडितों की बात हुई तभी मुद्दा आगे चलता चला गया। अब आप रुकिए रुकिए विकास जी, अब मैं संजीव जी के पास चलती हूँ। विकास जी देखिए कोई साफ सुथरा नहीं है, कोई किसी का सफेद कुर्ता रिन से नहीं धुला है कि दाग सारे चले गए, सबके अंदर दाग है। रुक जाइए आप, मैं संजीव जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं सारे नेता के, वॉशिंग पाउडर कौन सा यूज करते हैं, सब साफ सुथरे हो जाते हैं उनकी पार्टी में, जो भी होता है कोई भी साफ सुथरा नहीं है। भारतीय जनता रोकना चाहिए, समय कम है, मैं बैक टू टॉपिक संजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है, विकास जी आ रही हूँ आपके पास, रुक जाइए जाति नफरत विघटन बंटवारे की भाषा बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, जो बयान दिया वो सुनिएगा दो दिन पहले, रुक जाइए विकास जी अगर विकास जी जाति नफरत अच्छी नहीं लग रही होती, उनके काम की ना होती तो धर्म जाति नफरत की बात प्रधानमंत्री आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके तो दो मिनट के लिए शांत हो जाइए, मुझे अगले गेस्ट के पास जाना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका फैला डाउन कर दीजिए, क्योंकि वो दंगे करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है विकास जी चुप होंगे। विकास जी आपका फैला डाउन है, अब आप बोलिए आराम से। संजीव जी मैं आपके पास आ रही हूँ, देखिए हमारा मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर हुआ, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होता है, जो ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया जाता है, मैं बैक टू टॉपिक आ रही हूं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर में जो हम डिसेबल देखा जाए, डिसेबल पॉइंट अगर देखा जाए, तो उसको आधार मानकर ही आप अजान को की आवाज जो है वो बढ़ा सकते हैं, डिसेबल चेक किया जाएगा, भी कोर्ट ने फैसला इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है, तो अगर ये चीज हम काउंट कर ले तो शायद मुझे लगता है कि ना तो अजान पर लाउड स्पीकर का मसला उछलेगा और ना ही ये चालीसा का मसला आगे बढ़ेगा, अगर हम कोर्ट की बात को स्वीकार कर ले तो।
देखिए शिवांगी, देश की जनता बहुत भोली है और भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैप में ये बहुत पसंदीदा उनका सब्जेक्ट रहा है। इस ट्रैप में बड़ी आसानी से विपक्षी पार्टियों को समेट लेती है और उलझा भी देती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ से ये बात शुरू हुई, पहले भी अजान के बारे में या फिर जो माइक की आवाज़ के बारे में, लाउड स्पीकर की आवाज़ के बारे में जो मानक तय किए गए हैं, उसके अलावा अभी तत्काल में जो बात शुरू हुई है वो महाराष्ट्र के MNS के नेता के द्वारा छेड़ी गई एक राग के बारे में सारा रायता फैला है। ये नेता कौन है? ये नेता कौन है? उनकी भूमिका क्या है? सब जानते हैं कि वो शिवसेना से एक तरह से निकाले गए, वो हाशिए पर खड़े हुए वो नेता है जो अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुख्य धारा में आई जाए और अपने राजनीति की एक पैठ बनाई जाए। वहां से उन्होंने ये बात छेड़ी और ये बात धीरे धीरे महाराष्ट्र से निकल के पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है कि देश की जनता को ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे मूल मुद्दे इस तरह के मुद्दों के बीच में छूटते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई चरम पे है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बेरोजगारी चरम पे है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, जो हमारे सरकारी मुद्दे हैं उससे अलग अपने भविष्य बनाने के लिए, अपने राजनीतिक इरादों को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये बात छेड़ी है लगातार। क्योंकि जो हाशिए पे जो लोग हैं, यदि उनके पास काम होता, यदि उनके पास कोई जिम्मेवारी होती, तो उन लोगों को इन सब चीज़ों में दिलचस्पी होती ही नहीं। हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए धर्म और आस्था इतनी बड़ी मजबूत चीज़ होती है कि हम खाली पेट भी 10 किलोमीटर झंडा लेकर दौड़ जाते हैं, चाहे या राष्ट्रवाद की बात कर ले, लेकिन पेट भरने के लिए ये काफ़ी नहीं है। सरकारी मुद्दे जरूरी है, जनता को ये तय करना है कि उसके लिए या उसके हित में या उसके लिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो उसके बारे में बात कर रही है, उसके सोच के साथ बात कर रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि मस्जिदों पर जिस तरह से चढ़ करके जो झंडे फहराए गए, हम यहाँ बैठ करके उसकी तारीफ कर ले या कह दे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कौन सी गुनाह की बात है, लेकिन हमारे बच्चे जाकर के किसी मस्जिद के मीनारों पर झंडा फहराए, ये मैं कतई नहीं चाहूंगा। किसी मुस्लिम वर्ग से आप पूछ लीजिए कि क्या उसके बच्चे आने वाले दिनों में वो देखना चाहता है कि उसके हाथों में पत्थर हो और कहीं पे कोई धार्मिक प्रवचन चल रहा हो, यदि कोई कीर्तन चल रहा हो तो उस पे जाके वो पत्थरबाजी करे? दिल से पूछिए तो वो भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की स्थिति ये पैदा हो और मानसिक रूप से इस तरह से वो आवारा हो। किसी ने तो ये सवाल है कि कोई भी नहीं चाहता है किसी के बच्चे हाथों में पत्थर ले, पत्थरबाजी करे। अगर मुस्लिम बालू इलाकों से रामनवमी पर शोभा यात्रा निकले तो उस पर पत्थरबाजी, उसे रोका जाए वहां से निकलने के लिए, ना मस्जिदों पर चढ़ के झंडे फहराने की तस्वीरें आए, तो ये तस्वीरें कहीं भी हमारे देश में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और आपने जो बात एकदम सही की कि मसला भी ये है कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे हम भटकाने की कोशिश करते हैं। पहले हम हिजाब पर आते हैं, फिर हम अजान पर आते हैं, फिर हम रामनवमी पर आते हैं, फिर हम चालीसा पर आ जाते हैं। तो आप सोचिए जरा क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और कहां से नैरेटिव आ रहा है, ये जनता को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मजहबी लड़ाई वर्सेस चालीसा हो चली है, लेकिन इस संग्राम को रोकने की अब जरूरत आन पड़ी है। देश में जो अहम मुद्दे हैं, जो सवाल जनता से जुड़े हुए हैं, उनको अगर हर कोई उठाए तो बेहतर होगा देश के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।